हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप माहेश्वरी और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टेक पीएस स्मार्ट पर। और आज की वीडियो में हम जो विजुअल स्टूडियो कोड पर अपना एचटीएमएल कोड लिखते थे उसको हम सिंपल सा नोट पैड पर लिखकर देखेंगे। एक फाइल बनाएंगे और सिंपल सा हम नोट पैड पर एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम नोटपैड में एचटीएमएल कोड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड में बताया था टेक्स्ट एडिटर में। तो मेरे से कुछ दोस्तों ने बोला है कि सर एक बार आप नोटपैड पर हमें एचटीएमएल कोड लिखकर और रन कर कर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके लिए अपनी एक नोटपैड फाइल लेता हूँ। अपने मैंने विंडो बटन प्रेस किया और यहाँ पर मैंने सर्च बार में लिखा नोट पैड। और आप भी अपना डेस्कटॉप पे विंडो बटन प्रेस कर सर्च बार में जाकर नोट पैड आप टाइप करेंगे तो नोट पैड आ जाएगा। और सिंपल सा आप इस पर जाएंगे और इस पर एक न्यू फाइल लेंगे और इसको डेस्कटॉप पर आप सेव करिएगा कुछ इस तरीके से। और हम सिंपल सा एक इस नोट पैड पर सिंपल सा एच टी एम एल स्ट्रक्चर ही बनाकर देखेंगे। बस हमें नोट पैड का कैसे यूज़ करते हैं एच टी एम एल कोड के द्वारा, बस ये देखना है। बाकी तो हमने जो जितना भी विजुअल स्टूडियो कोड में हमारी पिछली वीडियो बनाई है मैंने, उन सभी कोड्स को आप बिल्कुल सेम वैसा का वैसा इस फाइल पर नोट पैड पर इस फाइल पर राइट करके सेव करके ब्राउजर पर चलाएंगे तो सेम वैसा ही आउटपुट आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको सिंपल सा str करके स्ट्रक्चर इतना ही लिखूंगा और डॉट html एक्सटेंशन के साथ सेव करूंगा। मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर ही लिया है। कुछ हमें एक्सटेंशन यही देना है डॉट html। मैं इसको सेव करता हूँ। अब सिंपल सा जैसा हमने वहाँ पे कोड किया था वैसा ही करना। और मैं बताऊंगा मैं विजुअल स्टूडियो कोड का क्यों यूज़ करता हूँ और मैं इस पर क्यों नहीं करता। वो अभी अपन अपना HTML स्ट्रक्चर कोड ओपन करते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल सा HTML टैग ओपन करते हैं। अब देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि विजुअल स्टूडियो स्टूडियो टेक्स्ट एडिटर में जैसे ही हम ओपन टैग ओपन करते थे, क्लोजिंग टैग इंटर करते ही आ जाता था, लेकिन नोटपैड में ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। तो इसीलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो नोटपैड का भी यूज़ करते हैं, और स्टार्टिंग में तो नोटपैड का ही करें तो काफ़ी बढ़िया। फिर आप जैसे लिख सकते हो, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज़ करें, आप जिस पे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने बता दिया मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ क्यों करता हूँ। तो मैं अब इस HTML टैग को ओपन किया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं इसमें हेड टैग लूँगा, हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज हुआ। अब इसमें हम टाइटल टाइटल लेते हैं हेड टैग के अंदर, टाइटल ओपन, हमें क्लोज करना पड़ेगा। ओपन किया है तो क्लोज भी करना पड़ेगा, इसमें क्लोज अपने आप नहीं होगा। डबल ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम स्ट्रक्चर, हो गया हमने स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो बना रहे हैं HTML स्ट्रक्चर, तो हम HTML स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। अब आती है बॉडी, बॉडी टैग ओपन इसके लिए, और बॉडी टैग क्लोज, अब हम में एक सिंपल सी हेडिंग बनाते हैं, H1 हेडिंग ओपन और H1 हेडिंग क्लोज। तो
और यहाँ लिखेंगे HTML port notepad text editor एडिट। तो हमने अपना ये पूरा HTML स्ट्रक्चर बना लिया, वो भी नोटपैड का यूज़ करके। अब मैं इस फाइल को कंट्रोल एस से सेव करूँगा और ठीक उसी तरह ही मैं इसको ब्राउज़र पर रन करूँगा। मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, आप चाहे तो फाइल पर जाकर भी सेव कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र स्क्रीन पर, सॉरी डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और मैं अपनी str.html फाइल पर राइट क्लिक करता हूँ तो ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे ये HTML कोड इन नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। तो सेम अगर हम ये विजुअल स्टूडियो कोड पर अगर लिखते तो यही आउटपुट आता। तो हमने आज देखा कि हम नोटपैड पर भी अपने HTML कोड किस तरह लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ये मेरे हाथ से छूट गया है नोटपैड स्पेलिंग में, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, मैं इसको कंट्रोल से सेव किया, ब्राउज़र पर कंट्रोल आर से रिफ्रेश करूँगा, ये हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम HTML कोड को नोटपैड पर भी कैसे लिख सकते हैं और इसको ब्राउज़र में उसी तरीके से रन कर सकते हैं जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में किया है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।